हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत होंगे। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वीज़ा लग गया है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके पास अकोमोडेशन नहीं है और उनकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं और कुछ तो स्टार्ट हो गई हैं, और वो सब जो हैं वो पाकिस्तान से या कहीं से भी ट्रैवल करके इटली आना चाहते हैं और उनको घर नहीं मिल रहा। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, तो आज की वीडियो में हम इसका कोई सोल्यूशन देखते हैं और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। जब आप अपनी कंट्री से, पाकिस्तान से या इंडिया से या जहां से भी आप इटली पहुंचते हो, तो आते साथ ही आपको जो है ना वो आपकी जो स्कॉलरशिप होती है उसका अकोमोडेशन नहीं मिलती। तो मैं अगर बात करूं एर्गो की, तो ऐसा नहीं होता कि आप पाकिस्तान से आते हो और सीधे ही एर्गो रेजिडेंस में आप जाके रहने लग जाते हो। जब आप आते हो तो कुछ दिन के लिए आप कहीं ना कहीं रह रहे होते हो और फिर उसके बाद एर्गो की रेजिडेंस में जाते हो। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि एर्गो जो है वो कब से जो है आपको रूम देता है। और इसी तरह बाकी रीजन की जो स्कॉलरशिप्स हैं, आप अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करें, कोई ना कोई आपका सीनियर होगा तो वो उस बारे में आपको अच्छा गाइड करेगा। तो इसी तरह एर्गो का मुझे थोड़ा बहुत पता है कि आप आते साथ ही रेजिडेंस में नहीं जाते। और एक छोटी सी और कड़वी सी बात एर्गो की ये है कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनकी रैंकिंग 150 भी है, कुछ की 100 वालों को भी नहीं मिलती। लास्ट ईयर जो है 100 से जो रैंकिंग जिनकी कम थी उनको स्कॉलरशिप मिली थी, मतलब रेजिडेंस मिली थी। तो अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि आप लोगों को एक ईमेल आई होगी जिसमें एर्गो ने आपको ये कहा होगा कि आप कन्फर्म करो कि आपको रेजिडेंस चाहिए नहीं चाहिए। तो उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा था कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे ख्याल में जस्ट 5% या 10% को जस्ट रेजिडेंस मिलती है। तो कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो सेफ साइड पर रहते हुए आपको जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट और अपना दूसरा रेजिडेंस, अपने घर का बंदोबस्त खुद करना है। लेट्स डू लाइक दिस कि आप जो है वो अपनी कंट्री से आ रहे हो, ठीक है, आने से पहले अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए आपने अपनी रेजिडेंस पहले ढूंढ रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान से आए और फिर आपके पास रहने को जगह नहीं है और आप परेशान घूमते रहो। तो आप आओगे तो आप पहले अपने जो स्कॉलरशिप है एर्गो से आप पूछ लो कि कब आप रेजिडेंस में शिफ्ट हो सकते हो। रेजिडेंस को कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कब आप जो है रेजिडेंस में शिफ्ट हो सकते हो, और मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो अकलमंदी इसी में है कि आप अपने लिए खुद घर देखो, अपना खुद कॉन्ट्रैक्ट वाला रेजिडेंस देखो ताकि एर्गो की स्कॉलरशिप आपको पूरी मिले। सो स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे और किस तरह अपने लिए घर और कमरा या जो भी बेड स्पेस आप ढूंढ सकते हो। तो बहुत सारे फेसबुक पर आपको ग्रुप्स मिलेंगे जिसमें आप जो है वो आप अपनी पोस्ट करो कि मुझे जो है एक बेड स्पेस चाहिए, एक शेयर्ड रूम चाहिए या सेपरेट रूम चाहिए, और आपका जो बजट है इतने से इतने के दरमियान जो है मुझे एक रूम चाहिए। तो इस बात का आप ख्याल करना कि वहाँ पर जो है वो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे कहेंगे कि आप एडवांस 300 यूरो, 400-500 यूरो दे दो और जो है ना हम आपका जो रूम है वो आपके लिए कन्फर्म करके रखेंगे और आप आते साथ ही उसमें रहने लगोगे। वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और आपको झूठा कॉन्ट्रैक्ट भी देने की बात करेंगे। तो ये बहुत स्कैम होता है। लास्ट ईयर तकरीबन बहुत से लोगों के साथ हुआ था, मुझे भी इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भेजा था कि इसको कॉन्ट्रैक्ट है ये, इसको साइन करो। मैंने कहा चल भाई किसी और को बेवकूफ बना। फेसबुक मार्केट प्लेस में आप सर्च करो कि बेड स्पेस या रूम या हाउस या अपार्टमेंट्स इन बलोनिया, तो वहां पर आपको बहुत सारे अपार्टमेंट मिलेंगे और आप ट्राई करते रहो। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्राई की और उनको मिला भी सही। तो यहाँ तक दो चीज़ें हो गई, एक फेसबुक ग्रुप्स बहुत सारे हैं, एक ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप हैं। तो आपको किस तरह के ग्रुप्स मिलेंगे, तो अफीति स्टूडेंटी बलोनिया इस तरह का ग्रुप है, और चर्को काजा इन अफीतो ए बलोनिया, ऑफरो अपार्टमेंटो स्टांजे इन अफीतो, मैं इनको ना यहाँ पर स्क्रीन पर मैं लिख दूंगा। तो इसी तरह बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन करो तो वहाँ पर आपको घर मिल सकता है और फिर फेसबुक मार्केट प्लेस पर मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि अगर आपके कोई इटली में जानने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। अगर आपके कोई जानने वाला है, आप पहले से किसी से कॉन्टैक्ट में हो, तो आप जस्ट उसे बताओ कि भाई आपका वीज़ा लग गया है और आपने इस डेट पर आपने ट्रैवल करना है। तो अगर उसके घर में कोई जगह है, बेड स्पेस है, तो वो आपके लिए बेड स्पेस अरेंज करेगा, नहीं तो वो कहीं और आपके लिए बेड स्पेस देखेगा। तो उसमें यह होगा कि आप एयरपोर्ट से आते हो, डायरेक्ट वहां जाते हो, मतलब आपको परेशानी नहीं होती कि मैं घर पे सोऊंगा, रोड पे सोऊंगा, कहाँ सोना है आपको। तो आपके पास जगह होती है तो सीधे आप जाके ना वहाँ शिफ्ट हो जाते हो, और फिर उसके बाद अपना जो दूसरा घर होता है कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो फिर उसके ढूंढने के लिए आप कोशिश करते हो। और अगर आपने रेजिडेंस में शिफ्ट होना है एर्गो की, तो आप उसमें भी शिफ्ट हो सकते हो।
और अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है इटली में, आप किसी भी स्टूडेंट को नहीं जानते हो या कोई आपका जानने वाला नहीं है, तो आपके पास एक और ऑप्शन जो होता है वो होता है स्टूडेंट हॉस्टल्स का। अगर आप सिंपल होटल में आप सर्च करोगे गूगल पर, आप चेक करो कि इस होटल इन बोलोनिया, तो आपको बहुत सारे एक्सपेंसिव होटल्स मिलेंगे। उन होटल्स में ये होता है कि आप जो है ना वो पर नाइट 30-40-50 यूरोस तक भी पे कर रहे होते हो। तो उन होटल में रहने के बजाय आप जस्ट गूगल पर सर्च करो स्टूडेंट हॉस्टल्स इन बोलोनिया। अब उन हॉस्टल्स में ये होता है कि एक बड़ा सा रूम होता है हॉल टाइप का, और उस हॉल में या उस रूम में 4-5 लोग रह रहे होते हैं, और उसका पर नाइट मेरे ख्याल में 15 यूरो 20 यूरो 25 यूरो तक होता है, और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छे रेट हैं। अगर आपको मिलता है तो आप एक हफ्ते के लिए या डेढ़ हफ्ते के लिए आप इसी तरह उसमें रह सकते हो, और मीनवाइल अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट वाला घर देखो, नहीं तो कोई और डेरा देखो, जिसे कहते हैं ना डेरा, मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन फैमिलीज ऐसी हैं, और बहुत सारे छड़े भी ऐसे हैं जो यहाँ पर काम के सिलसिले में रह रहे होते हैं, तो वो अपने साथ आपको अकोमोडेट कर लेंगे जब तक आपको दूसरा घर नहीं मिलता। तो इस तरह आपका जो है वो जुगाड़ बन सकता है। और फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट जो है वो आपका एक स्टूडेंट रेजिडेंस है, जिसे कहते हैं कैंपलस। कैंपलस में, मैं इसको यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दूंगा, कैंपलस में ये होता है कि आपको जो है ना वो स्टूडेंट रेजिडेंस होने की वजह से आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं। अब वहाँ पर जो है वो शेयर्ड अकोमोडेशन भी होती है और आपका सिंगल रूम भी हो सकता है, तो उसका रेंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब बंदा अभी पाकिस्तान से आता है उसको स्कॉलरशिप मिली नहीं होती, क्योंकि क्रिसमस पर मिलती है स्कॉलरशिप, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि पर मंथ 350-400 रुपये करना। तो ऐसा मैं दिल को थोड़ा सा बड़ा करके, आपको पता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आप वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेके कॉन्ट्रैक्ट सबमिट कर सकते हो एर्गो को, और फिर आपको पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी, तो इसी तरह आपको परेशान होने की बात नहीं है। सिंपल आपने कैंपलस की वेबसाइट पर जाना है, जो उनका प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। वस्सलाम, चाचाओ, अल्लाह हाफिज़।